चार्ज ज्यादा हो गए यार इस तूफान के चक्कर में। ओके यही अटक गए हैं। इधर देख सकते हो बहुत डेंजर है। क्यों आगे रास्ता ही कुछ तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आज है हमारा डे 3। आज हम करने वाले हैं कैंप से समिट की ट्रैकिंग और समिट से फिर हम रिटर्न कैंप में आएंगे और यहीं पे स्टे लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या भारी माहौल है। वाव हर तरफ स्नो ही स्नो। हर महादेव। चलो चलो फिर ऋतिक सर को फॉलो करो। बाय सी यू। गाइस यू कैन सी मैं अभी कहां खड़ा हूं। ये है क्वारी पास ट्रैक, बेस्ट ट्रैक एवर। तो अगर आप विंटर में आ रहे हो भाई तो सही टाइम है, अभी आओ अभी। पब्लिक लो भैया सेल्फी ले आओ वीडियो की। ये पास है इस ऊपर। सेट डाउन। आराम से गाइस, यू पहाड़ों में हवाई हवा हवाई हवा। मैं अभी अकेला इसमें चल रहा हूँ, देख सकते हो पूरा भाई स्नो ही स्नो स्नो ही स्नो। रास्ता नहीं नजर आ रहा भाई। पर अपन गचरी बॉय से जाएंगे और फुल। अगर आपको यहाँ पे दो चोटियाँ दिख रही हैं, ये सामने पहले है, ये है क्वारी पास का समिट पॉइंट और वो है क्वारी पास सॉरी पांगरचूला, छोटा पांगरचूला, और ये है इस तरफ वाला बड़ा पांगरचूला। तो हम वहाँ तक तो नहीं जा रहे बिकॉज वहाँ पे अभी क्लाइम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत बड़े बड़े वहाँ पे दर्रे हैं। Come on. Come on. Guys, देख सकते हो ये बहुत ही पतला ब्रिज है। इस तरफ दिखाई, इस तरफ दिखाई और बीच में एक पतला रास्ता, उस पे वॉक कर रहे हैं। क्या ही नजारा है भाई, सच में दिल खुश कर देने वाला है। वाओ वाओ फुल ऑन मजे भाई साहब। इतनी जोर की विंड चल रही है और आप ट्रैक देख सकते हो यहाँ पे, ये ऊंचाई, ये पतला सा ट्रैक और नीचे पूरी खाई। सोचो भाई यहाँ से गिरे तो सीधा खजूर में जा अटकेंगे, इतनी खाई है भाई। तो चलो बचा बचा के चलता हूँ। विंड देखिए, वाव क्या ही तेज विंड आ रही है भाई। ये देखो भाई सीधा स्ट्रेट चढ़ाई,
फिर डाउन, फिर वो दिख रही है एक रेड कलर की झंडी, वहाँ पे जाना है भैया। देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। भाई मेरे को लग गई जोर की भूख, क्योंकि कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था, तो भी इन्होंने दिया है पैक लंच में फ्राइड राइस। इतने राइस में क्या ही होने वाला है यार, टेस्टी भी दिख रहा है। बताओ कैसे खाऊं। वाह वाह, मेरा फेवरेट शिमला मिर्च। ग्रुप डाउन हो रहा है, उनका ऐसा फीडबैक है कि आगे आइस ब्लॉक हो गया है तो हम सबमिट नहीं कर पा रहे, पर मेरा तो ऐसा है कि भाई जहाँ तक जाना हूँ वहाँ तक तो जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। और हवा देख रहे हो आप भाई, गंदी वाली हवा चल रही। लुक एट द व्यू गाइस, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी थोड़े समय बाद अपने ट्रैक लीडर से आपको बताऊंगा, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे क्यों हम सबमिट नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल तो ट्राई करेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हाय, हाउ आर यू? सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। एक ग्रुप और मिल गया, उनका भी बेचारों को सबमिट नहीं हुआ, क्या ही बोलना। चल भाई, ये रहा सामने सबमिट, 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर पहले ही, 1 किलोमीटर पहले ही भाई, स्नो की बहुत गंदी वाली पैचेस है और हार्ड स्नो जिसे बोल सकते हैं, एक ब्रिज पे कनेक्ट है उसे क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे जम गई है, तो वो क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे गिरे तो राम राम सत्य मिलेंगे हरिद्वार। तो ऐसा हालत है, अस्थियों में बहते हुए राख। हाँ, तो हरिद्वार में अभी मिलना नहीं है और तेरहवीं की पूड़ी खिलानी नहीं है, तो नहीं करते जिद बिकॉज ठीक है नज़ारे यार, ऐसी जगह बैठ के थोड़ा टाइम चिल करना अपने आप में गजब का ही फीलिंग है सच में। अब चश्मा निकाल दिया जाए, वाह यार आंखों में क्या जोर की रोशनी आ रही है। उस साहब तो इनसे ही पूछते हम लोग समिट से 1 किलोमीटर पहले ही गिव अप क्यों कर रहे हैं, तो रीज़न यही बताएंगे। बताओ सर। हाँ गैस, जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी स्नो है और ऊपर आगे वहाँ से रास्ता फ्रोजन वाटरफॉल का है, वो काफ़ी डेडली हो सकता है, तो रिस्क लेना माउंटेन्स में अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक आपसे जितना हो उतना करना चाहिए, माउंटेन्स हमेशा यहीं पर रहेंगे, आप दोबारा आके फिर क्लाइंब कर सकते हो, पर आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ का। सो देखिए बेसिकली एक मैसेज ये ऐसा है ना कि पहाड़ यहीं रहने वाले यार, कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को सेफली लेके चलिए, बिकॉज किसी भी फील्ड में आप रहिए, चाहे माउंटेनियंस में रहिए या किसी भी फील्ड में रहिए, एक्स वाई जेड डजेंट मैटर, सेफ्टी फर्स्ट होती है, ठीक है।